जी हाँ दोस्तों, दिशा वकानी जो तारक मेहता के उल्टा चश्मा की लीड एक्ट्रेस और लीड कैरेक्टर दोनों ही थी, उन्हें ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो छोड़ दिया, आप सभी बताएंगे इसी वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। और एक बात, आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो जरूर करें क्योंकि मैं वहाँ पर यूट्यूब से पहले और अच्छे अपडेट दे देता हूँ। और हाँ, मेरे 20K फॉलोवर नहीं है, अब वो कितने आप खुद ही जाके देख लो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दिशा वकानी पिछले 10 साल से तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में काम कर रही थी, लेकिन वो 2016 से ये शो छोड़ी हुई है। और ये बात अब ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि दिशा वकानी ने दया बहन का रोल जो क्विट कर दिया है। और दिशा वकानी दया बहन का कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छे से निभाती थी वो, इसलिए वो फैंस को काफ़ी पसंद थी। लेकिन 2016 में जब वो मेटर्निटी लीव पे गए, उसके बाद वो तारक मेहता शो में कम बैक नहीं कर पाए। और जब भी शो के डायरेक्टर से ये बात पूछा जाता था कि दिशा वकानी कहाँ है, तब वो बोलते थे कि हम दिशा वकानी से कॉन्टैक्ट में और वो जल्दी शो में आएगी। लेकिन इस बार ये कन्फर्म हो गया कि अब दिशा वकानी नहीं आने वाली है। तो दिशा वकानी जब गई थी तो वो प्रेगनेंसी में थी और उनका एक बच्चा भी हुआ था, उनके देख रेख में वो थी। और अभी हाल में उनका एक और बच्चा हुआ, तो वो अपने हाउसवाइफ के कर्तव्य को निभाने के लिए तारक मेहता शो का ट्वीट कर दिया। और अगर आपको जाना कि राजा नाटकर ने क्यों तारक मेहता शो ट्वीट किया, तो आप हमारी ऑरेंज जेरो वाली वीडियो प्ले करके देख सकते हो।